हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम आप लोग के सामने कुछ ऐसी ज़रूरतमंद दवाओं को बता रहे हैं जिनके बारे में आप ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों, वो दवा क्या है, कैसे, किस हिसाब से काम करती है, आजकल के युवाओं को सेहत ना बन रही है, सेहत बनने के लिए तमाम प्रकार की दवाएँ खा रहे हैं और सेहत उनकी नहीं बन रही है। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए सेहत बनने का कारण। सेहत इसलिए नहीं बन रही है कि उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि इधर उधर की दवाइयाँ और जो सीरप है, कोई कुछ बता रहा है उसके बाद खा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी सेहत बनने लगेगी। तो दोस्तों, हमारी बात ध्यानपूर्वक सुने और जो भी है हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप बने रहें। तो दोस्तों, सेहत बनने के लिए लोगों को देखते हैं जनलैक्टिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में हमारे क्लिनिक पर, मेडिकल पर जो बहुत से बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, बच्चियां आती हैं, जनलैक्टिन लेके जाती हैं। तो दोस्तों, जनलैक्टिन का असर तो ख़राब नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा पीना बुरा है। आप इसको ज़्यादा पीना बुरा है और ज़्यादा पीने का मतलब ना, आप ज़्यादा ना पीजिए। आप एक फाइल, दो फाइल, सेंट्रो हेप्टाडीन उसमें होता है। तो दोस्तों, आपके सामने हम दिखा रहे हैं, देखिए ये जनलैक्टिन है, जनलैक्टिन सिरप ये है। ये क्या काम, किस हिसाब से काम करता है, इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें भूख खोलता है, भूख जिन भाइयों को, जिन बहनों को नहीं लगती है, ये भूख को खोलता है। तो दोस्तों, ये जो है भूख को अच्छी तरीके से खोलता है, भूख लगने लगती है, जो भी इंसान खाता है खाना वो पचने लगता है। इसमें साइक्रोहेप्टाडीन, हाइड्रोक्लोराइड, ट्रीचोलाइन पाया जाता है। ट्रीचोलाइन का मतलब ये होता है, जैसे जो लीवर में होता है स्टाइटिक, स्टाइटिक को कठोरता करता है, कठोरता करने के बाद में ये जो है अपना भूख जो है बढ़ाता है। और साइक्रोहेप्टाडीन से भी ये डायरेक्ट आपको लीवर पे जा कर के जो भी खाना पीना आप खाए हैं या ना खाए हैं, उसको ये जो है पाचन क्रिया इतना तीव्र कर देता है कि जो है कि आप जो भी खाए रहते हैं 3 घंटे में एकदम पूरा पच जाता है, हजम हो जाता है। 4 घंटा नियम है, लॉजिकल है कि 4 घंटे में पचना चाहिए। 4 घंटे में नहीं, ये जो है 3 घंटे में ही पचा देता है। 3 घंटे के बाद बच्चे को भूख लगती है। तो भूख लगने के बाद कितने लोग इसको 3 दिन भर में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं और वो पच जाता है। तो ये साइक्रोहेप्टाडीन की वजह से है। तो दोस्तों, इसके साथ ये गलत चीज़ नहीं है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना गलत है, ये गलत चीज़ नहीं है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये इस्तेमाल करना है तो आप इसके साथ मल्टी विटामिन ज़रूर लीजिए। मल्टी विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल, ये आपको बहुत ज़रूरी है खाना। तो दोस्तों, आप देखिए हमारे यहाँ रेस्टोरेज कैप्सूल है, ये रेस्टोरेज कैप्सूल है, इसको आप रात में 1 कैप्सूल सोते समय खा लें और इसको 3 ढक्कन आप शाम 3 ढक्कन सुबह पीजिए। और दोस्तों, कितने लोगों को किडनी पर ये जोर देता है, तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम होने लगती है कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, फीलिंग आने लगती है। जब किडनी पर ये मतलब जाता है, ये उसमें जो है रिस्टिल पाया जाता है किडनी के बाहर, तो रिस्टिल को ये मतलब अफर्मेटिव करता, मतलब विसंक्रमित करता है। तो दोस्तों, ये जनलैक्टिन अगर करता है किडनी पर अफर्मेटिव उसके जो है उस पर, तो इसको जो है आप कदाप ना लें, ये नुकसान दे है आपको नुकसान। अगर फीलिंग आ रही शरीर में तो आप जान लीजिए आपको सूजन आ रही है, ये नुकसान आपको कर रहा है। तो कितने लोग सोचते हैं हम मोटा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, हमारे चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप छोड़ेंगे जैसा का तैसा आप रह जाएंगे। तो दोस्तों, हम आप लोग को और कुछ नहीं कहेंगे, पानी की मात्रा बढ़ाइए और इसको 1-2 फाइल से ज़्यादा ना पिए और इसके साथ साथ मल्टी विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट ये आप जरूर लें। तो दोस्तों, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।